कुछ लोग जिनको देश ने नकार दिया है, जिन्हें देश अब स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, जो निराशा की गर्त में डूब चुके हैं, वो आजकल माला जपते हैं माला, और वो कह रहे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। ये निराशा के गर्त में डूबे लोग ये कह रहे हैं, माला जपते जपते कह रहे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। लेकिन देश कह रहा है, हिंदुस्तान के आवाज कह रही है, हिंदुस्तान का हर कोना कह रहा है मोदी तेरा कमल खिलेगा, मोदी तेरा कमल खिलेगा। मेघालय एक मजबूत पार्टी के नेतृत्व में स्थिर और मजबूत सरकार चाहता है। मेघालय आज फैमिली फर्स्ट के बजाय, ध्यान से सुनिए, फैमिली फर्स्ट के बजाय पीपल फर्स्ट वाली सरकार चाहता है। चाहता है ना, चाहता है ना। इसलिए कमल का फूल आज मेघालय की मजबूती, मेघालय की स्थिरता, मेघालय में शांति का प्रतीक बन गया है। लंबे समय तक मेघालय सहित उस पूरे रीजन को कुछ लोगों ने अपने परिवारों की, अपने स्वार्थ की पॉलिटिक्स के लिए प्रयोग किया है। ये परिवारवाद जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? मेघालय को परिवारवाद से मुक्ति मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? इन लोगों ने नॉर्थ ईस्ट के हर स्टेट को, जैसे हम पैसों की जरूरत पड़े और एटीएम से पैसे निकालते हैं ना, ये दिल्ली में ऐसी ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां रही हैं, यहां मेघालय में भी ऐसी ऐसी पॉलिटिकल पार्टियों ने काम किया है। उन्होंने पूरे मेघालय को एटीएम बना दिया है, रुपये मार लेते हैं, अपने जेब भर देते हैं।